बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा बहारों के साए में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने ये 1 किलो बैंगन लिया है, 1 किलो ही हमारे आलू है और दोनों चीज़ें हमने पानी में काट के रखी हुई हैं, क्योंकि ये बैंगन फौरी काले हो जाते हैं इसलिए हमें इसे पानी में ही काटना चाहिए, और आलू भी आपको पता है काले हो जाते हैं इसलिए वो भी पानी में हमने काट के रखे हैं। ये प्याज है, टमाटर, मिर्चें और ये मसाला जात, और ये 3 चम्मच भर के हमने ऑयल के रखे डाले हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं। मान रही हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, मैंने वही डाला है, और ये प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है हमने। अब टमाटर हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें टमाटर भी हमारे माशाल्लाह से नरम हो चुके हैं। अब हम मिर्च मसाला डालते हैं। हम नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1.5 चम्मच हम लाल मिर्च का, 1/2 चम्मच हम हल्दी। बिस्मिल्लाह रहमान। कुल थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। ये थोड़ी सी इमली अब हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि बैंगन खटाई में ही अच्छे लगते हैं। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और ये इधर बैंगन का पानी मैंने निकाल दिया है जो पहले इसमें भिगोए हुए थे। अब हम बैंगन शामिल करेंगे इसमें, तो 10 मिनट इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसको हम अच्छे से 10 मिनट तक भूनेंगे हल्की आंच पे, फिर हम आलू शामिल करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह कैसे नरम हो चुके हैं। अब इसकी मदद से हम इसको पीस लेंगे। ये देख लें इसकी मदद से ये हमने थोड़ा सा पीस भी लिया इसको, वैसे भी ये मसाला ही बन जाता है। अब हम ये आलू शामिल करेंगे। ये आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम 1 गिलास पानी शामिल करके 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे के हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देख लें कितनी प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आलू भी हमारे गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सालन बहुत अच्छा हमारा तैयार हो गया। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा सालन तैयार हुआ है। ये साथ मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे। असल में दोपहर का टाइम है, हम तकरीबन रोज़ दोपहर के टाइम चावल ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो मैं याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।